या आप कोई 125 सेगमेंट के अंदर बाइक को लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो जिसकी प्राइस 1,20,000 के आसपास है एंड आप जानना चाहते हो कि बेस्ट लुकिंग 125 सीसी बाइक कौन सी है जहां पर आपको 55 केएमपी तक माइलेज मिलेगा, 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। इवन इन सभी बाइक्स के अंदर ना आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन भी मिलता है। तो ऐसे टॉप 5 बेस्ट 125 सीसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। तो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है एक रेट्रो कैटेगरी की बाइक जो है क्यूए की SR125। इंडियन टूलर मार्केट पे इस बाइक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बाइक एक रेट्रो कैटेगरी की फील आपको डेफिनेटली देगा। इवन ये एक 125 सेगमेंट की बाइक है बट इसकी जो प्राइस है ना थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 1,42,000 आपको ऑन रोड प्राइस देना होगा इस बाइक के लिए। बट इतनी प्राइस के अंदर आपको बहुत स्पेसिफिकेशन भी ऑफर किया जाता है, जैसे कि इस बाइक के अंदर आता है 124.5 सीसी इंजन जहां पर आपको 9.83 बीएचपी की पावर एंड 8.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक आता है जहां पर डेफिनेटली आपको 50 केएमपी तक माइलेज में मिलता है क्योंकि इस बाइक के अंदर FI टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। इंजन की अगर बात किया जाए, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व की इंजन है जो एयर कूल्ड पे काम करता है। ब्रेकिंग एंड टायर साइज के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर ना आपको मिल जाता है ब्लॉक पैटर्न के टायर। इससे क्या होता है, आप अगर मान लीजिए बाइक को लेके ऑफ रोड करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। आप अगर बाइक को लेके लॉन्ग राइड पे करना चाहते हैं वो भी हाईवे पर, वो भी पॉसिबल है इस टायर के साथ। इस बाइक की फ्रंट पर यूज किया गया है 110/76 की सुपर वेट टायर, रियर पर यूज किया गया है 130/76 की टायर। ब्रेकिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो 125 सेगमेंट की बाइक है जहां पर आपको ABS की कोई ऑप्शन तो नहीं मिलता है बट इसकी जो फ्रंट डिस्प्लेट है ना वो काफी ब्रॉड है, 300mm की फ्रंट डिस्प्लेट मिलता है। रियर पर आपको 220mm की डिस्प्लेट दिया गया है, ड्यूल डिस्प्ले के साथ आता है बट सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन नहीं है। लाइटिंग सेटअप के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बाइक की फ्रंट पर वही रेट्रो कैटेगरी की राउंड शेप टाइप की हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है जो LED के साथ ही आता है। रियर पर LED टेल लैम्प एंड इंडिकेटर्स ना आपको देख के ऐसा लगेगा कि कोई मॉडिफाइड इंडिकेटर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है बट ये प्री इंस्टॉल इंडिकेटर आता है जो LED के साथ आपको मिल जाता है। इसकी जो मीटर कंसोल यूज किया गया है वो रेट्रो टाइप के लुक्स देने के लिए बहुत ही अच्छा है। जब पर डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है राउंड शेप टाइप के साथ और जो बेसिक फीचर्स आता है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बट इस बाइक के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी की फीचर्स ऑप्शन नहीं है दोस्त। नंबर 2 पर आता है TVS राइडर 125। इंडियन टूलर मार्केट पे लोग इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अगर कोई 125 सेगमेंट के अंदर बाइक लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है ना तो उनकी लिस्ट में सबसे पहले इसी बाइक का नाम आता है। अब देखो लोग इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं इस बाइक को। पहले तो इस बाइक के टोटल 4 वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट पे आता है। प्राइस स्टार्ट होता है 1,15,000 से, ये ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है एंड इसकी जो हायर वेरिएंट है वो स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला फीचर्स के साथ आता है जिसकी ऑन रोड प्राइस है 1,25,000। पावर एंड इंजन की अगर बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर यूज किया गया है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व की इंजन जहां पर FI टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन है जिसके कारण आपको यहां पर ना 67 केएमपीएल तक माइलेज मिल जाता है भाई एंड ये कोई कम माइलेज नहीं है भाई, 67 केएमपीएल की माइलेज बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो उस बाइक के अंदर पावर की अगर बात किया जाए 11.3 bhp पावर के साथ 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है एंड इस बाइक के अंदर जो सबसे बढ़िया एंड फोकसिंग पॉइंट मुझे लगा ना इसकी जो हेडलैम्प है एंड मीटर कंसोल। भाई इसकी जो हेडलैम्प है DRL के साथ LED इंडिकेटर के साथ आपको दिया गया है जो दिखने में बहुत ही प्यारी लुक सबको लगेगा एंड इसकी जो मीटर कंसोल है ना वो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है भाई। जैसे कि एक 125 सेगमेंट के अंदर ऐसा मीटर कंसोल ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है बट यहाँ पर TVS ने जो TFT स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है जहां पर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, SMS कॉल अलर्ट के ऑप्शन मिल जाता है, इवन यहाँ पर म्यूजिक को कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी फोन के थ्रू एंड इस बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। ब्रेकिंग की अगर बात किया जाए तो डिस्प्ले के साथ आ रहा है। फ्रंट पर आपको 80/100 सेक्शन के टायर मिल जाता है एंड रियर पर आपको 100/80 सेक्शन के टायर दिया गया है एंड ये बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी आप लोग इस बाइक के अंदर देख सकते हो। नंबर 3 पर आता है बजाज पल्सर NS125। इंडियन टूलर मार्केट पे रिसेंटली NS160 200NS के ऊपर अपडेट एंड चेंजेस हुआ है बट NS125 के अंदर अभी तक कोई भी चेंज
चेंजेस नहीं हुआ है, बट ये बाइक को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसकी जो लुक्स है ना वो NS200 से बहुत ही मैच करता है, जिसके कारण इसको भी बहुत ही लोग पसंद करता है। अब देखिए उस बाइक की प्राइसेस के बारे में बात किया जाए, 1,30,000 ऑन रोड प्राइस के साथ आपको ये इंडियन ट्विलर मार्केट पे मिल जाएगा, जहां पर सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व इंजन के साथ इस बाइक के अंदर यूज किया गया है 124.5 cc इंजन, जहां पर 11.9 bhp पावर के साथ 11 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर 64 km/h तक माइलेज मिलेगा, ये बजाज का क्लेम है, एंड 12 लीटर फ्यूल टैंक के साथ ये बाइक इंडियन ट्विलर मार्केट पे लॉन्च किया गया। ब्रेकिंग सिस्टम एंड टायर साइज के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर आपको 80x100 सेक्शन के टायर मिल जाता है, रियर पर आपको दोस्तों 100x90 सेक्शन की टायर ऑफर किया गया इस बाइक के अंदर, वो भी ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग की बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर ABS की कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है, अपडेट होने के बाद ABS का ऑप्शन हो सकता है। 240mm की डिस्प्ले आपको इस बाइक की फ्रंट पर दिया गया है, रियर पर आपको डिस्प्ले की कोई ऑप्शन नहीं आता, रियर पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है 130mm की। बाइक की टॉप स्पीड की बात किया 115 km/h की टॉप स्पीड मिल जाता है। नंबर 4 पर आता है हीरो ग्लैमर एक्सटेक, इंडियन ट्विलर मार्केट पे ये बाइक बहुत ही फेमस है, इवन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इस बाइक के अंदर ना आपको 125 cc इंजन के साथ 10.2 bhp पावर मिल जाता है, 10.2 न्यूटन मीटर टॉर्क भी देखने को मिल जाता है, बट इस बाइक के अंदर आपको एयर कूलिंग 4-स्ट्रोक इंजन तो मिलता है, बट माइलेज की अगर बात किया जाए 60 km/h तक माइलेज इजिली मिल जाता है। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, रियर पर ड्रम ब्रेक की ऑप्शन के साथ बाइक के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी की फीचर्स का भी ऑप्शन आता है, इवन नेविगेशन का भी ऑप्शन आता है, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात किया जाए इस बाइक की टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो इस बाइक के अंदर यूज किया गया है फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, रियर पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, एंड टायर साइज के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर 80x100 सेक्शन की टायर आता है, रियर पर आपको 180 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाता है। एलॉयज आपको यहाँ पर 18 इंचेस की देखने को मिलता है दोस्तों। जो डिस्प्ले है फ्रंट पर वो आपको लगभग 240mm की देखने को मिल जाता है। रियर की सस्पेंशन की अगर बात किया जाए तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ही इंडियन ट्विलर मार्केट पे बाइक को प्रेजेंट किया गया है। नंबर 5 पर आता है बजाज पल्सर 125। इंडियन ट्विलर मार्केट पे इस बाइक को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग डेली राइड के लिए, कॉलेज के लिए इस बाइक को यूज कर रहा है, एंड इस बाइक की प्राइसेस की अगर बात किया जाए 1,15,000 की ऑन रोड प्राइस के साथ आपको यह मिल जाएगा इंडियन ट्विलर मार्केट पे, जहां पर 124 cc इंजन के साथ लगभग इस बाइक के अंदर आपको पावर की अगर बात किया जाए तो यहां पर 11.8 bhp पावर के साथ 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। इंजन की अगर बात किया जाए 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क की इंजन है, जहां पर FI टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन है, जिसके कारण आपको इस बाइक के अंदर 55 तक माइलेज मिल जाता है, एंड हाईवे पर आपको लगभग 60 km/h तक माइलेज इजीली मिल जाता है। टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बाइक की फ्रंट पर आपको 80x100 सेक्शन के टायर मिल जाता है, रियर पर आपको 100x80 सेक्शन के टायर दिया गया है। फ्रंट पर 240mm डिस्प्ले के साथ रियर पर 130mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक के ऑप्शन नहीं आता है, ना ही यहाँ पर कोई ABS की ऑप्शन है दोस्तों, बट इस बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक यूज किया गया है वो 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक है, जहाँ पर रिजर्व की कोई ऑप्शन तो नहीं है, बट यहाँ पर माइलेज आपको बहुत ही अच्छे से मिलता है, इवन इसकी जो प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग पावर भी आपको बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आप अगर इन टॉप 5 में से किसी भी बाइक को ओन करते हो या फिर लेना चाहते हो कमेंट करके डेफिनेटली बताना, क्योंकि आपकी जो कमेंट है ना वो देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।